रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। जी हाँ, आज जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी दूसरे चरण की। इसकी तैयारी जोरों पर है और पटना के तमाम चौक चौराहे पर एक पोस्टर लगाया गया, जिस पोस्टर में साफ तौर से लिखा गया है कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। इस पोस्टर को गौर से देखिए और खुद समझ जाइएगा कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने में किस कदर लगी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और इस बार भी जो है 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पूरे बिहार में बांटी जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कर ली गई है। लेकिन इस पोस्टर के जरिए हम ये आपको बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाने में सिर्फ लगे हैं। चाहे वो जदयू कार्यालय के बाहर अगर पोस्टर लगा हो तो सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर हो, लेकिन अगर सरकारी कार्यक्रम भी हो तो सिर्फ नीतीश कुमार का ही तस्वीर नजर आएगा। देखिए किस तरीके से वो तस्वीर में नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, उनका नाम जरूर है लेकिन उनकी तस्वीर इस पोस्टर से गायब है। यानी नीतीश कुमार चाहते हैं सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाना और बिहार के वोट को अपने कब्जे में डालना। ऐसे में नीतीश कुमार अपने पाले में वोट को करने के लिए नई नई रणनीति बना रहे हैं। चाहे वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो है वो एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं और अब तो वो जो है सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार के जो किए जा रहे काम है, उसे पोस्टर के जरिए बिहार के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बिहार में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं और खास तौर पर बिहार की राजधानी में भी, यानी पटना में भी एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर से लिखा है रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, रोजगार की बहार है, शिक्षक नियुक्ति के इतिहास रचा बिहार है, शिक्षक नियुक्ति की दूसरी चरण यानी 96,823 जो है नियुक्ति पत्र पूरे बिहार में दिए जाएंगे। पटना में करीबन 25,000 से अधिक जो है शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी, तो वहीं पूरे बिहार में 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी जा रही। लेकिन हम बात कर रहे हैं पोस्टर की, लेकिन इस पोस्टर में ना तो शिक्षा मंत्री हैं और ना ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं। भले उनका नाम तो जरूर है लेकिन उनकी तस्वीर इस पोस्टर से गायब है। नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र भी बांटा जा रहा है और लोगों को रोजगार दी जा रही है। एक वक्त में तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख पहली कलम से नौकरियां देंगे, तो वहीं नीतीश कुमार ने अपने गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान से ही जब उन्होंने घोषणा किया था तो साफ तौर से कहा था कि हम 20 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। लेकिन नौकरियां तो मिल रही है, लेकिन नौकरियों के साथ साथ बिहार में इसको लेकर सियासत भी खूब हो रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।